क्लास 12th, कई बच्चों का कमेंट है सर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फेल हैं, अगर हम दोनों विषय में फेल हैं तो क्या होगा सर? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, अभी कुछ नहीं होगा। अभी आपने पेपर देकर आया है, आप अपने आप को ना तो फेल समझे ना तो पास समझे, चुपचाप बने रहें, पॉजिटिव रहें। दूसरा चीज सर, ग्रेस मार्क्स क्या होता है, बोनस मार्क्स क्या होता है? देखो कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि गलत होते हैं, तो उनके लिए बोनस मार्क्स दिए जाते हैं जो कि सबको मिलता है। और ग्रेस मार्क्स ये होता है जब आप किसी एक सब्जेक्ट में कुछ नंबर से जैसे 18 नंबर ले आए और 24 नंबर पासिंग मार्क्स है, तो आपको 5 नंबर 7 नंबर ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप दो विषय में फेल हो रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं होगा, ना तो आप कंपार्टमेंट लायक हैं, किसी लायक नहीं है। लेकिन एक चारा आपके पास है, अगर आप में ये गर्व है कि हम दोनों पेपर में से कोई एक पेपर अच्छा किए हैं, तो उसका स्क्रूटनी या इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं और दूसरे पेपर का कंपार्टमेंट दे सकते हैं। लेकिन तभी जब आप दोनों में से कोई एक पेपर अच्छा करके आए हैं तब ये होगा। अगर दोनों में फेल है तो कंपार्टमेंट नहीं होगा। और फिलहाल बोनस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स दे करके आपको पास करने की पूरी पूरी संभावना सरकार करती है, बहुत बच्चों को फेल नहीं करती है, बहुत कम फेल कर दिया जाता है। इसलिए प्लीज़ आप टेंशन फ्री रहें, जब रिजल्ट आएगा, जब भी कुछ होगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे रहें, तुरंत हमें कमेंट करिएगा कि सर अब क्या करें, कोई हेल्प करिए या कुछ सहायता कीजिए जिससे कि हमारा एक साल बच जाए, हम पास हो जाए। हम तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। बस आप चैनल सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए जिससे सबका विकास हो, सबका साथ हो, सब